नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2022 में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मार्च का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी क्या कुछ खास संभावना मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मार्च के महीने में निर्मित हो रही है, यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होने जा रहा है, किस क्षेत्र विशेष में मिथुन राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिलेगी और कहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही यह राशिफल बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। यह राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों को इसलिए देखना चाहिए कि ग्रहों के गोचर और परिवर्तन के फलस्वरूप जीवन में हमें उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलते हैं और संघर्ष भी मिलता है। तो यदि इस राशिफल को मार्च महीने की समयावधि के पूर्व आप देख लेते हैं तो आने वाले समय की स्थितियों को पूर्व में ही आप जानकर बेहतर संभावनाओं का निर्माण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मार्च के महीने में जरूर कर पाएंगे, इसलिए इस राशिफल को आपको जरूर देखना चाहिए। इस राशिफल के दौरान मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसमें मिथुन राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष उपाय। उपाय के दौरान मिथुन राशि वाले जातकों को यह भी जानकारी देंगे इस महीने को बेहतर करने के लिए चार ऐसे कार्य जिसको आपको करना है और चार ऐसे कार्य जिसको आपको नहीं करना है। यह वीडियो के अंत में हम आपको जानकारी देंगे जो काफी आपके लिए व्यावहारिक रहेंगे और जीवन में उपयोगी रहेंगे। अब ग्रह स्थितियों की अगर आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, मार्च के महीने में आपके राशि से द्वादश भाव में राहु देव और राशि के छठवें भाव में केतु पूरे महीने तक गोचर में रहेंगे। आपके राशि के स्वामी बनते हैं बुधदेव, जो इस मार्च के महीने में गुरु के साथ, शुक्र के साथ राशि से भाग्य भाव में गोचर में रहने वाले हैं। मार्च के शुरुआत में सूर्यदेव, मार्च में जो सूर्यदेव की स्थिति रहने वाली है वो कुंभ राशि में रहेगी, यानी आपके राशि से भाग्य भाव में सूर्यदेव रहेंगे। उसके पश्चात सूर्य दशम भाव में 15 मार्च को आ जाएंगे। आपके राशि के लिए शनिदेव, मंगल की उपस्थिति राशि से अष्टम भाव में शुक्र के साथ रहने वाली है। इसमें राशि से अष्टम भाव में मंगल उच्च के होकर गोचर में रहेंगे, तो इसका भी क्या प्रभाव आपके लिए रहने वाला है हम आपको जानकारी देंगे। तो ये तो हमने ग्रहों की जानकारी आपको दे दी, इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन जरूर होगा जो हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो अगर करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जानकारी दिया जाए तो करियर भाव के अधिपति गुरु बृहस्पति राशि से त्रिकोण भाव यानी पराक्रम भाव, भाग्य भाव में शुभ स्थितियों में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं यहां पर आपके लिए, चूंकि बुध की स्थितियां श्रेष्ठ बनी हुई हैं, सूर्य के साथ गुरु राशि के भाग्य भाव में रहने वाले हैं और 15 मार्च के पश्चात देखिए आपके राशि के दशम में सूर्यदेव आ जाएंगे, तो यह महीना आपके करियर के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को विशेष और अच्छा परिवर्तन दे रहा है। यह महीना कई मामलों के लिए आपके लिए बेहतर है। व्यापार से भी अच्छा खासा लाभ आपको देखने के लिए मिलेगा।
कर्म क्षेत्र पर सूर्य का प्रभाव बना हुआ रहने के कारण सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए सफलता और संभावना से भरा हुआ यह महीना रहने वाला है। मिथुन राशि के ऐसे जातक जो सरकारी नौकरी में जुड़े हुए हैं, उसके साथ साथ जो जज हैं, वकील हैं, संपादक हैं, पत्रकार हैं, या तो जो जातक राजनीति और समाज के कार्यों में जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़ा हुआ आपका कोई भी कार्य है, जंगल के ठेकेदार हैं, भवन भूमि निर्माता हैं, या भूमि को बेचने का कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, तो यह महीना आपके लिए बेहतर है। इसमें किसी प्रकार की आपको समस्या दिखाई नहीं देने वाली है। ऑलरेडी मिथुन राशि वाले जातकों को कई प्रकार की चुनौतियां पिछले कई साल से मिल रही हैं, क्योंकि शनि के ढैया का प्रभाव भी आपके राशि के ऊपर बना हुआ है। तो देखिए, मार्च का महीना करियर के मामले में श्रेष्ठता, संभावना और उपलब्धियों से भरा हुआ रहेगा। अब मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, व्यावसायिक जातकों के लिए भी समय बेहतर है। कारोबार में अच्छा खासा मुनाफा होने की, नवीनीकरण होने की प्रबल संभावना जीवन में जरूर देखने के लिए मिलेगी। आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि जानकारी दिया जाए तो देखिए, आर्थिक मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को इस महीने, चूंकि राशि के धन भाव और लाभ भाव दोनों भावों पर शुभ स्थितियां बनी हुई हैं, तो देखिए अपनी मेहनत के द्वारा जीवन में आप धनार्जन कर सकते हैं। एक से अधिक माध्यम से जीवन में धनार्जन होगा। जिम्मेदारियां काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी। राहु की उपस्थिति द्वादश भाव में बनी है। राशि के यहां पर विदेश से जुड़े हुए जातकों के लिए आर्थिक जीवन बेहतर रहने वाला है। धन की वृद्धि होती हुई नजर आएगी। व्यापारी जातकों के लिए समय बेहतर है। किसी प्रकार का यदि नया काम शुरू करने की योजना आप बना रहे हैं, उसमें भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि जानकारी दिया जाए, देखिए अष्टम भाव में मौजूद होकर मंगल और शनिदेव, ये दोनों प्लेनेट आपके राशि के परिवार भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी महसूस होगी, नए विवाद उत्पन्न होंगे। तृतीय भाव में इस समयावधि में बृहस्पति की दृष्टियां बनी हुई हैं, तो भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे। परिवार के सदस्यों को जीवन में आपको वैचारिक मतभेद निर्मित करने से बचना चाहिए। समर्थता बनाकर जीवन में चलना है। किसी प्रकार से टकराव भरी स्थितियां यदि निर्मित हो तो आपको अपनी समन्वय और बुद्धिमत्ता के द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। अब मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यदि प्रेम और वैवाहिक जीवन की जानकारी दिया जाए, प्रेम के क्षेत्र में मिथुन राशि वाले जातकों को यह महीना अच्छी सौगात दे रहा है। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए संबंधों में स्थिरता, भावनात्मक रूप से संलयता और मान सम्मान भरी स्थितियां रहेगी। आप अपने प्रेमी के साथ घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में यदि मिथुन राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, देखिए वैवाहिक जीवन भी आपका बेहतर है। किसी प्रकार से ज्यादा समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। वैवाहिक भाव के कारक गुरु बुध के साथ, सूर्य के साथ शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। पार्टनर के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। संतान पक्ष से आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी। जीवन साथी के साथ यदि पूर्व के समय से कहा सुनी और वैचारिक मतभेद पूर्ण स्थितियां चल रही थी, उसके सामान्य होने की, उसके दूर होने की प्रबल संभावना जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यदि इस समयावधि में शिक्षा के मामले में जानकारी दिया जाए, तो देखिए शिक्षा के मामले में यह महीना बेहतर है। यदि आप मेहनत कर देंगे तो सफलता आप जीवन में परीक्षा प्रतियोगिता के साथ साथ इंटरव्यू वगैरह में यदि आप बैठने की योजना बना रहे हैं तो सफलता अर्जित कर लेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यदि सेहत के प्रति जानकारी दिया जाए,
क्योंकि सेहत सबसे बड़ा धन है। यदि स्वास्थ्य आपका खराब है तो जीवन में कितनी भी दौलत और शोहरत हो वो किस काम की है। शनि अष्टम में मौजूद हैं, मंगल के साथ सेहत के प्रति आपको विशेष लापरवाही बरतने से बचना चाहिए। लगन पर भी कुछ ग्रहों की दृष्टियां बनी हुई हैं, इसके लिए मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर आज स्थिरता का भाव रहेगा। मन में चंचलता और आपका जो मनोबल है, आत्मविश्वास है, उसमें अचानक वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। कुछ समय के उपरांत उसमें डाउन देखने के लिए मिलेगा। कहीं न कहीं राहु भी द्वादश भाव में मौजूद हैं, तो मिथुन राशि वाले जातकों को किसी प्रकार से तले भुने भोज्य पदार्थों को खाने से बचना चाहिए। बृहस्पति भी यहां पर आपको पेट से जुड़ी समस्या आपको दिखाई देगी, हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या। साथ में मिथुन राशि वाले जातकों को त्वचा में प्रॉब्लम। 50 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले जातकों को वजन बढ़ने की समस्या मिल सकती है। इसलिए मिथुन राशि वाले जातकों को सबसे पहली बात तो यह है कि मानसिक तनाव आपके मन में नहीं लेना है। अनिद्रा की समस्या आपको नहीं होने देना है। जीवन में सूर्य नमस्कार, योग ध्यान प्राणायाम जरूर करें। शराब धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से आपको दूरी बनाना चाहिए। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को ऐसे जातक जो बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, उन जातकों को यदि गंभीर समस्या है तो डॉक्टर एवं एक्सपर्ट की राय आप जरूर ले सकते हैं। अब मिथुन राशि वाले जातकों को यदि धार्मिक उपाय बताया जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले चार ऐसे कारण बता रहे हैं जिसको आपको नहीं करना है। सबसे पहला, मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में नशे से दूरी रखना है। देखिए, नशा व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। इसलिए यदि किसी प्रकार से छोटा मोटा से लेकर बड़े से बड़े शराब में या किसी प्रकार से नशे की आदि यदि आप हैं तो आपको दूरी बनाना चाहिए। शनि की ढैया का प्रभाव भी आपके ऊपर चल रहा है, इसलिए यदि आप जीवन में हर क्षेत्र में उत्थान, सफलता और समृद्धि चाहते हैं, पारिवारिक उत्थान चाहते हैं, तो नशे से आप दूरी जरूर रखें, बनाएं। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को क्या नहीं करना है। किसी दूसरे व्यक्ति का अपमान करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर आप अपमान करते हैं, उस व्यक्ति की भावनाएं आहत होती हैं, तो आपको जीवन में कई प्रकार से चुनौतियां मिल सकती हैं। सामने वाले की भावनाएं व्यक्ति के जीवन में जब पीड़ित होती हैं तो उसकी आह जो होती है वो आपके जीवन में काफी ज्यादा नुकसान दे सकती है। तीसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों से बचना चाहिए। और चौथा, मिथुन राशि वाले जातकों को हर कार्य में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। धैर्यपूर्वक जीवन में चलें और द्विस्वभाव यानी दो नावों पर पैर रखने की आदत आप जीवन में जरूर टालें। ये चार कार्य तो आपको नहीं करना है, और चार कार्य ऐसे बता रहे हैं जिसको मिथुन राशि वाले जातकों को जरूर करना चाहिए। पहला, किसी प्रकार से आप मन में चिंता ना रखें, अपने अंदर की कमियों को देखना विशेष रूप से चालू कर दें, दूसरे व्यक्ति की कमियों को देखना बंद करें, अपने अंदर की खूबियों को पहचानने की कोशिश करें। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को सबका सम्मान करना है। तीसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को दिखावा करने से बचना चाहिए। और चौथा, मिथुन राशि वाले जातकों को यदि नकारात्मक विचार आपके मन में आ रहा है तो चिंता न करने के बजाय समाधान पर आपको विचार करना चाहिए, और संभव हो तो आपको ध्यान करना है, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना है। यदि आप नित्य प्रति ध्यान करते हैं तो आप अपने अंदर के गुणों और अवगुणों के ऊपर वास्तविक में अच्छी खासी विचारधारा बना सकते हैं, विचार कर सकते हैं, और संभावना भी श्रेष्ठ और बेहतर उत्पन्न कर सकते हैं। यदि आपको धार्मिक उपाय बताया जाए, शनि चालीसा का पाठ नित्य प्रति करें, शनिदेव की आराधना करें, अपने पूर्व के समय में हुए अनुचित कर्मों की क्षमा प्रार्थना आप जरूर शनिदेव से मांगें। इसके लिए पीपल के वृक्ष के नीचे प्रत्येक शनिवार को या प्रत्येक दिन आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में श्रेष्ठता और श्रेष्ठ संभावना निर्मित करने के लिए
महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना चाहिए। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखें, यथाउचित दाने चारे का प्रबंध करते रहें, अपने मन में किसी प्रकार से तनाव लेने से बचें, साथ में धार्मिक दृष्टिकोण से माताओं और बहनों का पूर्ण रूपण आपको सम्मान करना है, गुरुजनों का सम्मान करना है। और यदि आप अपने जन्म कुंडली पर बृहस्पति को मजबूत बनाना चाहते हैं तो यहां पर अनाथालय में जाकर जो बच्चे असमर्थ हैं, पढ़ने में असमर्थ हैं, उनकी मदद करिए, उनको यथाउचित पाठ्य सामग्री और वस्त्र दान जरूर करें। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को अच्छी लगी। साल 2022 के सभी महीने मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में बेहतर संभावना निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।